सो है एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। 3 हफ्ते हो गए मेरे को वीडियो शूट के हुए एंड बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था भाई, किसी प्रॉब्लम की वजह से। हम किसी प्रॉब्लम में फंस चुके थे एंड जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था शूटिंग का एंड व्लॉग भी नहीं आ पा रहा था उसकी वजह से। बट अभी हम कंटिन्यू पर डे व्लॉग डालेंगे एंड आप लोगों को जैसे पहले PR दिखाते थे ऐसे ही PR दिखाना भाई इस पर भी। एंड अभी थोड़ा रेडी वगैरह हो जाते हैं क्योंकि अभी सुबह के बजे हुए 11 और फिर हमें जाना है सबसे पहले बाइक वॉश कराने के लिए, और बाइक वॉश कराने के बाद हम जाते हैं सीधा मार्केट जामा मस्जिद की साइड, उधर जाके थोड़ा रिएक्शन वगैरह शूट करते हैं भाई, फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। 2000 years later। तो भाई फाइनली हम हो चुके हैं रेडी और इसके चलते मम्मी ने मेरे को बता दिया है कुछ काम जो कि रास्ते में कुछ सामान है उसको पकड़ा के फिर जाना है, और फिर चलते हैं हम सीधा बाइक को वॉश कराने के लिए। पहले वो सामान देते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं बाइक को वॉश कराने, ठीक है? और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाम मस्जिद जाके वहाँ पे कुछ रिएक्शन वगैरह शूट करते हैं, तो चलते हैं सीधा सामान देके बाइक वॉश कराने। भाई हम चल दिए हैं, अभी जा रहे हैं हम सीधा, मम्मी ने जो काम बताया था उसको हम फाइनल करके और फिर हम जाएंगे सीधा आगे, और फिर वहाँ पर जाके हम बाइक वॉश कराते हैं, और बाइक वॉश कराने के बाद सीधा जैसे कि मैंने बताया है हम लोग जाएंगे सीधा मार्केट में रिएक्शंस वगैरह शूट करने के लिए। बट ज़्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ पे मम्मी ने कुछ काम बताया था वो काम करके फिर हम जाएंगे सीधा। तो भाई ये वायर देखो कहाँ लटक रही है भाई, तो शायद यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट लेने के बाद ये मुड़े थोड़ा आगे है, और ये यहाँ पर मेरे को कुछ सामान देना है। तो जो भी सामान मैं जल्दी से यहाँ से पकड़ा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं चलता हूँ सीधा आगे। जी मम्मी ने सूट भेजा है। और इस सूट को मैं अंदर दे के आता हूँ जल्दी से यार, फ़ोन निकाल लेता हूँ नहीं तो कोई उड़ा ना दे यार, डर लगता है भाई। तो भाई अभी जो सामान देना था वो मैं दे चुका हूँ, और अभी चलते हैं सीधा बाइक को वॉश कराने के लिए, हम यहाँ से सीधा जाएंगे। भाई ये आ गया बाईपास हमारे यहाँ का, और फिर यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा डक पे। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, 43 degrees Celsius चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया ना सर, बहुत गर्म गर्म हवा चल रही है और मेरे पास ग्लव्स व्लव्स कुछ भी नहीं है भी यार। हम लोग यहाँ से भी आ सकते थे बट अभी सामान पीछे गया है तो इसलिए पीछे वाले रास्ते से आना पड़ा, नहीं तो सीधा यहाँ से आते फिर हम, और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। भाई आ गया किराना वाला रोड जो कि सीधा किराने के अंदर जाता है इधर से, और यहाँ से भी लेफ्ट लेना पड़ेगा भाई, ज़िंदगी लेफ्ट चल रही है, हर जगह से लेफ्ट लेफ्ट लेना पड़ता है, राइट मोड पे कभी आएगी नहीं, हर जगह से लेफ्ट ही है। और शायद यहाँ पे ही एक डक था, और कहाँ गया भाई, ये डक ये रहा, यहीं पे कराते हैं वॉश। हाँ तो भाई अभी पहुंच चुके हैं डक पे, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और ये हमारी बाइक खड़ी है, और ये भैया धोएंगे भी इसको, तो गंदी हालत बहुत ज़्यादा हो रखी थी इसकी यार, देख सकते हो आप नीचे की साइड में कितना बुरा हो रखा है। ये A few moments later. देख लो कितनी प्यारी लग रही है हमारी क्यूटी भाई, और ये हो चुकी है वो सौरभ भी काफ़ी प्यारी लग रही है। तो भाई बाइक जो हमारी वो वॉश हो चुकी है और काफ़ी अच्छी भी दिख रही है अभी। तो
भाई अभी हम चलते हैं मार्केट में, ऊपर जाके देखना भाई कैसे कैसे हम लोगों को रिएक्शन मिलते हैं। और जो कि अभी से स्टार्ट हो चुके हैं, भाई यार काफ़ी भीड़ मिलने वाली है लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये 3 दिन बाद ये दिन ना, तो इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है मेरे को। तो यार शायद मेरे को लग रहा है आगे तो हालत ख़राब हो जाएगी यार, एक तो गर्मी इतनी है ना ऊपर से, अब भाई एकदम बंदे की हालत ख़राब देती है। देख रहे हो भाई कितनी भीड़ है, भयंकर वाली भीड़ लगी हुई है भाई, और जो सोचा था ना वो सच हो गया भाई, जो बोला था वो सच हो गया भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये देखो बच्चे को, अरे क्यों नहीं दे रहा उसको, तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? फैसल मोटो व्लॉग्स। फैसल मोटो व्लॉग्स और भाई ये बंद क्या बंदा रिएक्शन वीडियो लेना रहे ना। फिर वीडियो में तो ये, अगर शॉर्ट में जाओगे तो फिर कॉमेडी मिल जाएगी आपको पॉपुलर में, ठीक है। तो भाई कुछ बंदे मिल गए थे भाई जो चैनल का नाम वगैरह पूछ रहे थे, कह रहा था कि मैं आपको काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, तुम यहाँ से आते जाते हो एंड आपके चैनल नहीं मिल रहा मेरे को, तो उसको चैनल बता दिया भाई को हम लोगों ने। और भाई भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखी है एंड यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये क्या भयंकर भाई भयंकर बोला डायलॉग याद आ गया यार, अब भाई आज ऑमलेट नहीं तेल का ऑमलेट बनाऊंगा, ये ले इसकी बहन की ये ले भाई, ये तो निकलने नहीं देगा मेरे को लग रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देगा ये तो, साइड दे दो यार भाई प्लीज, साइड है ही नहीं यार, बंदा देगा कहाँ से वो साइड। ओ भाई यार ये तो इधर ही जा रहा है और हम लोगों को भी इधर जाना है, साथ में जाएगा साथ। ए मार्केट तेरी बहन को, हट बे कौन है तू। ओ यार इधर निकलना तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मुश्किल यार भाई, एक तो गर्मी बहुत हो रखी है एंड ऊपर से यहाँ पे भीड़ देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा है भाई, शिट। अभी डिग्री कॉलेज में जाना पड़ेगा और डिग्री कॉलेज में जाके वहाँ पे हम ब्लॉग का डी एंड करते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं डिग्री कॉलेज में, और डिग्री कॉलेज में आने के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है भाई, बाज़ार में बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई, वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है एंड अभी यहाँ के हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। और अभी हम व्लॉग को करते हैं यहाँ पे डी एंड, वो आप लोगों ने बाकी देख ही लिया है कितनी मेहनत भाई, पूरे बाज़ार में इतनी भीड़ थी ना कि निकलना वहाँ से बहुत मुश्किल हो रहा था, और रास्ते में हमें हमारा फैन से मिला था जिसमें कि आप लोगों को देखा भी होगा आप लोगों ने। एंड अभी तो कल मेरे को गाज़ियाबाद जाना है, कल मैं गाज़ियाबाद जाऊँगा तो उसका व्लॉग डालूंगा, और सुबह मेरे को सवेरे भी निकलना है, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड बाय।